गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू एबीएन ऑनलाइन क्लासेस। आई एम धीरज, योर अकाउंट टीचर। कल हमने जो डिस्कस किया वो चैप्टर नंबर 5 के थ्योरिकल पार्ट को पूरा डिस्कस कर लिया। अपन हिंदी मीडियम में चैप्टर 5 को चला रहे हैं। चैप्टर 5 उसके अंदर हमने इसका पूरा थ्योरिकल बैकग्राउंड देख लिया। इसमें थ्योरी कैसे चलनी है, क्या रनिंग है, क्या इसका अर्थ है, कंपनी कितने प्रकार की होती है, सब कुछ कंपनी के बारे में थ्योरिकल बात। और प्रैक्टिकल में भी मैंने आपको दो प्रैक्टिकल करने के लिए दिए थे। एक तो नकद के अलावा अन्य प्रतिफल के भुगतान के लिए हमने पढ़ा था ना, एसेट्स अकाउंट डीआर टू वेंडर टू ऐसे, फिर वेंडर को पेमेंट दिया सम लेबर और प्रीमियम। तो इस तरीके से वेंडर वाला तो हमने कर लिया। अब वेंडर वाला जब हमने कर लिया तो उसके बाद में जो अब इसमें टॉपिक बचता है वो बचता है नगद के लिए, कि नगद के लिए अर्थ कैसे करेंगे। तो नगद हेतु आपको अंशों को जारी करना है। अब नगद हेतु अंशों को जारी करना है तो नगद हेतु जारी करने के लिए आपके पास में दो ऑप्शन है। नगद यानी कैश के लिए शेयर को जारी कर ले दो ऑप्शन है, या तो एक मुश्त जारी कर सकते हो। कैसे जारी कर सकते हो? एक मुश्त का मतलब है सारा पैसा एक साथ, या बाद में कैसे कर सकते हो किस्तों में। यानी पैसे किसमें लोगे? इंस्टॉलमेंट में। ये इंस्टॉलमेंट क्या होती है? एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, ये इंस्टॉलमेंट। याद है ना, किस्त में क्या क्या कर सकते पहले एप्लीकेशन, दूसरी किस्त का नाम क्या होता है अलॉटमेंट, फिर नाम आता है फर्स्ट कॉल का, फिर सेकंड कॉल का, ऐसे चक्कर। कैसे होता कौन पर किस्तों में, इस तरीके से किस्तें होती हैं उनकी। पहले एप्लीकेशन ली जाती है, फिर अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, ड्यू की जाती है, रिसीव की जाती है। अब ये नगद के लिए आप अंशों को जारी कर सकते हो दो विधियों से। एक मुश्त पैसा ले सकते हो, किस्तों में ले सकते हो। और लेने के तरीके प्रकार कितने हैं? लेने के प्रकार भी दो हैं। या तो लोगे सम मूल्य पर या प्रीमियम पर, दो प्रकार है। सम मूल्य पर लोगे या किस पे लोगे? प्रीमियम पे। तो नगद पैसा चाहिए, एक मुश्त जारी कर सकते हो, सारा पैसा एक साथ ले सकते हो। और एक साथ पैसा लेने के तरीके कितने हैं? एक मुश्त ले लो यानी एक सम मूल्य पे ले लो, या किस पे ले लो? प्रीमियम पे। यानी 100 रुपए का शेयर 100 पे जारी करके 100 रुपए एक साथ ले लो एक मुश्त, 100 का शेयर 10 रुपए प्रीमियम पे 110 पर, तो एक साथ ले लो एक मुश्त। किस्तों में, किस्तों में कैसे लेंगे? जैसे सम मूल्य 100 रुपए का शेयर है, जिससे किस्तें करती है 20 30 20 30, चार किस्तें होगी। तो सम मूल्य रुपए के लिए किस्तों में, 100 रुपए की चीज आप 110 पे बेचना चाहते हो, आप कहते हो 20 40 20 30 ये हो गए ना 110 110 रुपए में किस्तों में ले लो। ये चीज क्या है? प्रीमियम। इस तरीके से स्ट्रक्चर ये बनता है नगद का, छोटा सा एक स्ट्रक्चर कि नगद के लिए आप विचार कर सकते हो सम मूल्य पर प्रीमियम, जितने का है उतने ही लोगे या उससे ज्यादा। अब लेने का तरीका क्या है? दो है, एक मुश्त ले सकते हो, किस्तों में ले सकते हो। आज हम खाली बात करते हैं एक मुश्त। एक मुश्त में दो एंट्री होंगी, एक तो सम मूल्य की, क्या एंट्री हो जाएगी? बैंक अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। दूसरी एंट्री क्या रहेगी? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ये एक मुश्त एंट्री, जैसे 100 रुपए वाला 5000 अंश, एक मुश्त में
पैसा लेता है, तो बैंक नॉमिनेट इक्विटी शेयर एप्लीकेशन कितने जाएंगे 5 लाख, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन में नॉमिनेट नॉमिनेट इक्विटी शेयर एप्लीकेशन कितने जाएंगे 5 लाख समथिंग खत्म। बोलो कोई डाउट कर दोगे? 5 लाख 7 लाख जितने रुपए मिले हैं, थोड़ा सा ये याद रखना, जैसे आपने 100 रुपए वाले 10,000 शेयर जारी किए, 10,000 का मतलब हो गया 10 लाख, लेकिन आपको 9,400 के लिए आवेदन आए तो बैंक अकाउंट इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट कितने होंगे? 9 लाख ही होंगे, क्योंकि 9,000 को 100 से करेंगे तो 9 लाख, 10 लाख मत कर देना। आप जारी करना चाहते थे आवेदन तो 9 लाख के लिए आए, तो 9 लाख, तो 9 लाख से ठीक है ना। अधीय विधान होने पर आप कम दोगे, लेकिन न्यून विधान होने पर उतना ही होते हैं। अधीय विधान आएगा, टॉपिक आगे उस पर बात करेंगे। तो ऐसे आप अगर प्रीमियम है तो प्रीमियम पे क्या एंट्री हो जाएगी? प्रीमियम पे सेम यही एंट्री होगी, बस कुछ चेंज हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा कुछ सिक्योरिटी। सिक्योरिटीज चीजें पहले एंट्री तो बैंक अकाउंट एंट्री, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट सेम, और दूसरी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट या इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। जैसे 100 रुपए वाला 5,000 समता अंश 10% प्रीमियम, तो एंट्री क्या होगी? तो प्रीमियम पे जारी करोगे, अब प्रीमियम पे जारी करोगे तो एंट्री क्या हो जाएगी? एंट्री हो जाएगी आपकी कि आपको रुपए कितने मिलेंगे? 5,000 शेयर है 110 के हिसाब से, 100 रुपए का शेयर 10% प्रीमियम पे 110 के हिसाब से कितने आ जाएंगे? 5,50,000। और दूसरी एंट्री क्या होगी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर 5,50,000, जिसमें से शेयर कितने लाख के हैं? 5 लाख के, और प्रीमियम कितना है? 50। ऐसे पहले सम मूल्य था तो 5 लाख से, और प्रीमियम हुआ तो आपको पैसा ज्यादा लेना है, तो 110 से गुणा करके 5,50,000, 5,50,000, 5,50,000। ये हो गया एक मुफ्त निर्गमन सम मूल्य पर, और किस पर? प्रीमियम। कम अंशों के लिए आवेदन आए तो कम के लिए मल्टीप्लाई करना है। आया समझ में? एक मुफ्त समाप्त करें इसको क्लोज, एक मतलब सुधार करते हैं। देखो बात करते हैं किस्तों की। किस्तों का मतलब है जब आपका जो शेयर है उस पर सारी राशि एक साथ नहीं लेंगे, टुकड़ों में। इन टुकड़ों को क्या बोला जाता है? एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, इस तरीके से को बोलते हैं। अब एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, इन टुकड़ों को बोला जाता है, तो एंट्री होगी कैसे? ये तो इसमें सबसे पहले याद रखना, आपको एप्लीकेशन रिसीव होगी, क्योंकि हमें पता तो होना चाहिए ना एप्लीकेशन किसने दी, तो आपको एप्लीकेशन रिसीव हो जाएगी। एप्लीकेशन रिसीव होने के बाद में आप उसको ट्रांसफर कर दोगे, फिर आप अलॉटमेंट ड्यू करोगे, अलॉटमेंट मांगोगे, उसको रिसीव करोगे, फर्स्ट कॉल ड्यू करोगे उसको रिसीव करोगे, सेकेंड कॉल ड्यू करोगे उसको रिसीव करोगे, इस तरीके से इसकी एंट्रियाँ बनेगी। जैसे हम अगर बात करें तो एप्लीकेशन प्राप्त करने की क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट या इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट या तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। दूसरी एंट्री क्या हो जाएगी? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट या टू इक्विटी शेयर
कैपिटल। नेक्स्ट कौन सा ड्यू करेंगे? अलॉटमेंट को ड्यू करने पर, अलॉटमेंट मांगने पर। अलॉटमेंट मांगते जाते क्या होगी? पहले अलॉटमेंट मांग देंगे इक्विटी शेयर, अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल रिसीव करो, बैंक अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट रिसीव कर दिया। फिर एप्लीकेशन रिसीव करने की, फिर एप्लीकेशन ट्रांसफर करने की, आपने शेयर दे दिए, अलॉट करके अलॉटमेंट ड्यू कर दो, अलॉटमेंट ड्यू करके अलॉटमेंट रिसीव कर दो। टाइम टू टाइम आप ऐसे कॉल्स करते जाओगे, रिसीव करते जाओगे। फर्स्ट कॉल रिसीव करने की एंट्री क्या हो जाएगी? सेम आप ऐसे एंट्री होती जाएगी, अलॉटमेंट एंट्री का फर्स्ट कॉल का नाम आ जाएगा, एंट्री क्या हो जाएगी? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। रिसीव करने की बैंक अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल ड्यू करने की इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल, रिसीव करने की बैंक अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल, और मल्टीप्लाई करते रहो। जैसे फॉर एग्जांपल लेके बताता हूं, देखो आपको कि फ्लोर में का आपका शेयर है और शेयर है आपके 5000, उन पर राशि इस तरीके से एप्लीकेशन 30, अलॉटमेंट 40, फर्स्ट कॉल 20 और सेकंड कॉल 10। अगर टोटल 100 यानी किस्तों में सब मूल। अब इसकी एंट्री बोल दे, देखो आपको एप्लीकेशन सपोज सब के सब शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मिली, 5000 के लिए एप्लीकेशन मिली, तो पहले एंट्री बोलो क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 5000 को 30 से गुणा करो, 5 × 3 = 15, 150000। दूसरी एंट्री इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल 150000, अलॉटमेंट मांगो, अलॉटमेंट मांगने की एंट्री क्या होगी? 5000 पर 40% के हिसाब से अलॉटमेंट मांगेंगे तो 5 × 20 = 2,00,000, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2,00,000, और फिर रिसीव कर लो बैंक अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कितने लाख? 2,00,000। फर्स्ट कॉल मांगो, बोलो फर्स्ट कॉल की एंट्री बोलो, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। मैं नहीं सुन सकता, लेकिन ये मानो कि मैं बोल रहा हूँ तो आपको उसके साथ बोलना है, और फिर ये देखना है, मैं तभी दो मिनट लेट बोलता हूँ कि आपने ये बोला था। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितने रुपए? 1,00,000। जिसने बोला है, जिसने ये सोचा था, बहुत बढ़िया, 5000 को 20 से किया, रिसीव कर लो बैंक अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। अब सेकंड कॉल की एंट्री बनाओ फटाफट, फिर मैं बोलूंगा, आपको देखना यही आता है क्या? मैच करना, सेकंड कॉल को ड्यू करो, रिसीव करो, कर लिया? अब सुनो क्या आपने ये लिखा है, इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल 50000 रुपए 510 से, और फिर रिसीव किया बैंक अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल कितने रुपए? 50000 रुपए, वापस से 50000 रुपए से। इस तरीके से ये एंट्री होती है, सिंपल फंडामेंटल है। अब आप कहोगे क्या इसमें इतना ही है? नहीं बेटा जी, इसमें अभी भी बहुत सी चीजें बाकी हैं। अब उन बहुत सी चीजों में क्या बाकी है? एक तो आपका बाकी है कि आपको इसके अंदर एडिशनल वो करना है, ये बकाया डल सकता है, अग्रिम डल सकता है, इनको और डालना है। बकाया कैसे डलेगा, अग्रिम कैसे डलेगा, ये सब चीजें। तो आप देखो छोटा मोटा बकाया लेते हैं या पहले प्रीमियम ले, चलो प्रीमियम लेते हैं और एंट्री करेंगे, और प्रीमियम और बकाया दोनों साथ देखना। सपोज 100 रुपए वाला 5000 शेयर है, 10% प्रीमियम,
और प्रीमियम आपका शामिल है दो रुपए में, ऐसा दिखाएगा 50 रुपए प्रीमियम सही है। देखो प्रीमियम चाहिए 1400 फिर 30 और 50 80 2100 10 हो गया प्रीमियम छोड़ कर 5000 है। एक बकाया और डाल लेते हैं और एक अग्रिम डाल लेते हैं, दोनों चीजों को इस क्वेश्चन में डाल लेते हैं। ऐसे सोचते हैं कि एक अंशधारी मोहन जिसके पास 200 अंश है अपनी अंतिम दोनों मांग भी देगा। मोहन अंश है 200 अंश, बकाया अंतिम दोनों मांग, एक तो ये एडजस्टमेंट है, एक इसमें एडवांस और डाल लेते हैं। श्याम जिसके पास अंश है 500, अग्रिम भी है, प्रथम के साथ द्वितीय मान, प्रथम के साथ द्वितीय मान। अब एक बार मेरा प्रश्न को फिर से आराम से गौर से समझे, हमारा प्रश्न है 100 रुपए का शेयर है, 5000 टोटल शेयर है, 10% प्रीमियम पे जारी है, 10 रुपए प्रीमियम। मांग इस प्रकार है, एप्लीकेशन पर 30 रुपए है, अलॉटमेंट पे 50 रुपए है जिसमें प्रीमियम 7 है, फर्स्ट कॉल पर 20 रुपए है और सेकंड कॉल पे 10 रुपए, ऐसे टोटल कितने 110। कुछ क्वेश्चन में एडजस्टमेंट दे रखे थे कि मोहन जिसके पास 200 अंश है अपनी अंतिम दोनों मांग बकाया रखता है, श्याम जिसके पास 500 अंश है प्रथम मांग के साथ द्वितीय मांग देता है, प्रथम मांग के साथ कौन सी मांग देता है, द्वितीय मांग देता है। तो आपको एंट्रीज बनानी है, तो देखो चलो हम एंट्रीज बनाना स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को मैं कर रहा भी हूँ, आप भी इसको देखना, और इस क्वेश्चन को करने के बाद एक अधिक विधान का क्वेश्चन लेंगे, उससे मोस्टली आपकी सारी कंपनी के अंश तैयार हो जाए, ठीक है। सारी थ्योरी बता दी गई है, एक स्टोरी बता दिया है, बताया गणित बता दिया है, ये सब चीज़ें अच्छा से देखो। तो देखो स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले एप्लीकेशन 5000 पर 30 रुपये के हिसाब से कितने रुपये मिलेंगे, 1,50,000 दूसरी एंट्री कितने से लेंगे, 1,50,000 बैंक अकाउंट इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन का इक्विटी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मांगोगे, क्या अलॉटमेंट में प्रीमियम है, प्रीमियम है तो एंट्री तो चेंज हो जाएगी, चेंज क्या हो जाएगी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम होता है ऐसे डाल देना, चाहे वो एप्लीकेशन अलॉटमेंट के साथ हो, फर्स्ट रोल के साथ हो, सेकंड रोल के साथ, बस एप्लीकेशन के साथ हो तो बैंक में वो पैसा आएगा, यहाँ वो प्रीमियम दिखाई जाएगा, ठीक है ना। अब देखो अलॉटमेंट कितने रुपये मांगे, 50, 5000 को 50 से मिला क्या, 2.5 लाख, शेयर कैपिटल 5000, अब इसमें शेयर कैपिटल प्रीमियम तो पहले कौन निकाल दो, प्रीमियम को निकाल दो, आसान रहेगा, 5000 प्रीमियम कितना है, 10% 10 रुपये, तो कितना हो गया प्रीमियम 50,000 और 2,25,000, 2,00,000 और 50। उसके बाद इसको रिसीव कर लो, तो रिसीव करते टाइम कोई बकाया अग्रिम नहीं आ रहा है तो रिसीव कर लो, बैंक आपके एडमिशन लोन में कितने रुपये, 2,50,000 2,50,000, ठीक है। इस तरीके से ये यहाँ तक तो लोग की बात हुई, बोलो कोई डाउट, कोई डाउट नहीं, आगे बढ़ो। अब कौन सी कौन मांगोगे,
फर्स्ट कॉल मानते हैं। देखो तो फर्स्ट कॉल मानोगे तो इक्विटी और लेनी, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डी आर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। फर्स्ट कॉल कितने रुपए की है? 20। अंश कितने थे? 5000। तो 5000 रुपए से करेंगे कितने आए? 1,00,000। रिसीव करते हैं फर्स्ट कॉल को। रिसीव करने के लिए क्या है? बैंक अकाउंट टी आर टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। क्या कुछ एडजस्टमेंट है? ध्यान से देखना, एडजस्टमेंट है। मोहन अंतिम दोनों मांग नहीं देगा, इन्हें फर्स्ट कॉल भी नहीं देगा, सेकंड कॉल भी नहीं देगा। तो एक तो मोहन बाकी रखेगा, तो फर्स्ट कॉल की बताया नहीं रखेगा। कितने अंश है? 200। फर्स्ट कॉल के 20, 4000 रुपए आपके बताए थे, 4000 क्या रहेंगे बताए। फिर और भी कुछ एडजस्टमेंट है? क्या है? श्याम है वो प्रथम मान के साथ द्वितीय मान दे रहा है, प्रथम मान के साथ एडवांस दे रहा है, तो एडवांस दे रहे हैं बैंक अकाउंट के टू कॉल इन एडवांस, तो इसके साथ एक नाम और हो जाएगा टू कॉल इन एडवांस। अब वो एडवांस कितना ले रहा है, एडवांस निकाल लो। कितने शेयर उसके पास? 500। कौन सी कॉल एडवांस दे रहा है? सेकंड। तो गुणा 10, 5। तो 5000 तो एडवांस क्या गया, 5000 किसके आगे? एडवांस के आगे। फर्स्ट कॉल पे 1,00,000 मांगे, 4000 नहीं मिलेंगे तो कितने मिलेंगे? 96,000। 1,01,000 कितने मिलेंगे? 1,01,000 हो गया। अब कौन सी कॉल मांगोगे? सेकंड कॉल। सेकंड कॉल मान लो इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट दिया टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेट इक्विटी शेयर कैपिटल कितने रुपए है? 10 रुपए। 5000 अंश टोटल कितने हो जाएंगे? 50,000। क्या किसी ने सेकंड कॉल एडवांस दे रखा है? दे रखा है, 5000 एडवांस मिला हो ना, तो एडवांस को क्या करना चाहिए? एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट की क्या होगी? कॉल इन एडवांस अकाउंट डीआर टू सेकंड कॉल। याद रखना एडवांस लेने के बाद उसका एडजस्टमेंट जरूर करते हैं, तो कॉल इन एडवांस टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल कितने रुपए? 5000। फिर अब रिसीव कर लो। रिसीव करने की एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट या इक्विटी शेयर सेकंड कॉल। बैंक अकाउंट डेट टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल 50,000 रुपए आपने मांगे, 5 तो पहले से जमा, बचे कितने? 45। क्या कोई बाकी रखता है? मोहन 200 अंशों पर बाकी रखता है, तो इसकी बकाया निकाल लेते। सेकंड की बकाया 200 × 10 = 2000। ये बाकी रखता है, 5000 मिल गया, बचा 45। 45 में से 2 मिलेंगे, कितने बचे? 43,000। ये हुआ आपका क्वेश्चन समाप्त। विथ एडजस्टमेंट एडवांस है, बकाया है, प्रीमियम है, सब कुछ मटेरियल अच्छा खासा मटेरियल है। कल जो हमारा टॉपिक होगा वो अध्येय विधान का होगा, कि अध्येय विधान कैसे होता है उस पर कैसे हम चर्चा करेंगे, तो अध्येय विधान को लेकर होगा कल का हमारा टॉपिक। तो उसमें अध्येय विधान सीखा जाएगा, अध्येय विधान कैसे होता है। याद रखना बकाया और अग्रिम मांग पर
कितना प्रतिशत ब्याज दिया जा सकता है, तो बकाया मांग पर तो हम ले सकते हैं 10% वार्षिक सारणी एफ के अनुसार, और अग्रिम मांग पर हमें देना पड़ता है 12% वार्षिक। ये थ्योरिकल है, प्रश्न पूछा जाता है कि बकाया और अग्रिम मांग पर ब्याज की रेट क्या होती है, तो ब्याज की रेट। तो इस तरीके से आपको आज हमने गैस के लिए मोस्ट किस्तों का सारा स्ट्रक्चर बताया है, एक मोस्ट में कैसे कैसे शेयर्स जारी होते हैं, किस्तों में कैसे जारी होते हैं, किस्तों में कैसे एडजस्टमेंट करते हैं, इन सब के फंडामेंटल बताए हैं। इससे रिलेटेड आपको आज क्वेश्चन करना है, फर्स्ट सेकंड कर लिया आपने, थर्ड करो, फोर्थ करो न्यूमेरिकल, तीसरा करो, चौथा करो, पांचवा अधिविधान का है नहीं कर पाओगे, कल समझाएंगे, तो छठा करो और नौ का कर सकते हो, तो ऐसे ही क्वेश्चन कुछ निकाल सकते हो आप। और कल हम जैसे अधिविधान बताएंगे ये चैप्टर क्या हो जाएगा, अंशों को लेके समाप्त हो जाएगा, फिर बताएंगे, ठीक है ना। तो अंशों को लेके मैन मटेरियल तैयार हो चुका है, सिर्फ छोड़कर किसको, अधिविधान। अभी भी हमने अधिविधान नहीं बताया है, अधिविधान बाकी है, अधिविधान ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, इतना ही तैयार करो और सेफ रहो, मुस्कुराते रहो, खुश रहो।